धूप निखरने लगती है। चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियां पिघलते सोने की तरह चमक रही हैं। धुंध के उस पार मैं कुछ खोज रहा हूँ, पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं। आज वर्षों बाद मैं फिर आया हूँ यहाँ अपने घर। यहाँ के कण कण में शैशव की कितनी ही हर्ष विषाद मिश्रित स्मृतियां बिखरी पड़ी हैं। पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब हम छोटे थे। माँ का बिलख बिलख कर रोना, दीदी के कभी न थमने वाले आंसू, बाबा का कोरे कागज सा सफेद चेहरा आज भी अनायास याद आते हैं तो अजीब सिहरन सी होती है और मैं कांप उठता हूँ। तब मैं कनू के बराबर था। देहरी के पास माँ सिर झुकाए बैठी थी। बाबा पत्थर की तरह गुमसुम हो गए थे, एक भी शब्द बोल ना पा रहे थे। दीदी मुझे गोद में उठाए चुपचाप रो रही थी, बस रोए ही जा रही थी। पिताजी की अकाल मृत्यु ने बाबा को और भी बूढ़ा बना दिया था। हाथ पांव अब अधिक चल ना पाते थे। स्मृति भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ रही थी। बातें करते करते बहक उठते, बार बार कोई बात बताने पर भी जल्दी भूल जाते। दुकान का जितना उधार जिनके पास था उन सबने ठेंगे दिखला दिए थे। सगे संबंधियों ने सहायता करना तो अलग रहा, पिताजी की आकस्मिक मौत का पूरा पूरा लाभ उठा लिया था। दोबारा अपनी रकम वसूल करने से भी चूके न थे। किसी पड़ोसी दुकानदार ने ग्राहक तोड़ लिए थे, किसी ने अपने बगल की हमारी जमीन दाब ली थी। घर बाहर के सभी लोग जैसे हमें नोचने के लिए खड़े हो गए थे। कोई भी तो अपना नहीं दिखता था। बाबा बूढ़े थे, हम छोटे। एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया, पता नहीं क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। शाम को जब खेत से लौट रहे थे तो भैया बोले, जीतू मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊं तो तू घर का काम देख लेगा? मेरी समझ में बात आई नहीं। भैया पढ़ने जाएं यह ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे? तू सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है, देखना बाबा बूढ़े हो गए हैं, इतना बड़ा कारोबार है, दुकान में उनसे अधिक काम हो नहीं पाता। मुनीम रखते हैं लेकिन वे भी लूट खसोट में कसर नहीं छोड़ते। तू स्कूल से लौटकर सीधा घर आया करना, किसी काम में मदद कर देना, इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा। बड़े भैया का स्वर भीग आया था। वे उसी बहाव में आगे बोले, ऐसा कोई भी नहीं जिसकी हम सहायता ले सकें। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे ना, अब बाबा चाहते हैं कि मैं आगे पढ़ूं। पिताजी जिस तरह सारे काम चलाना चाहते थे वैसे ही सब चलें, बाबा का दिल नहीं दुखाना है। मैं खूब परिश्रम करूंगा, तू भी पढ़ने में मेहनत कर, बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख। छुट्टियां मिलते ही मैं भी घर आ जाया करूंगा। और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े। घोड़े पर उनका सामान लादा गया, पुल पार तक बाबा लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाने गए। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता था कि पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। फिर काम में डूब गए थे बाबा, ना दिन देखते ना रात, कहीं कुछ भी कमी ना आने दी उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियां जो भी घर आती बाबा उसी तरह लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते थे। पाठशाला और अस्पताल के चंदों में अब भी उतनी ही रकमें दान दी जाती जितनी पहले दी जाती थी। लगभग साल भर बाद बड़े भैया का परीक्षा परिणाम आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। प्रथम स्थान पाया था उन्होंने, वजीफा भी मिलने लगा था। बाबा सबसे अपने पोते का बखान करते, बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। मैं स्कूल जाता, घर का दुकान का खेतों का काम भी देखता, खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पार करता चला गया। कभी एक भी पैसा व्यर्थ में खर्चते मुझे किसी ने नहीं देखा था। 2 बच्चे होनहार निकल गए तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी, बाबा जब तब दोहराते रहते। पास पड़ोस के लोगों ने बगीचे लगवाने शुरू कर दिए थे, बाबा ने भी फलों के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवा दिए थे। वे सबको अच्छे फलों की पौध लाने को कहते। दुकान की छत की मरम्मत करवा पुताई करवा दी। गौशाला के आगे लंबा चौड़ा आंगन बना दिया था। बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे, शायद उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए थे।
अरे इनके फूलने फलने तक मैं जिंदा ना भी रहूं, बच्चे तो खाएंगे। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था। आंगन के आगे लगे माल्टों की पौध वही लाया था चौबटिया से। अब फलने लगे हैं, इस बार खूब फल आएंगे इन वृक्षों पर। बड़े भैया फौज में चले गए, धीरे धीरे उनकी पदोन्नति होती गई। मैंने दिल्ली में नौकरी कर ली। इस बीच बाबा चल बसे, घर में केवल माँ ही रह गई थी, बिल्कुल अकेली। पिछली बार घर आया तो बाबा का धूल और धुएं से ढका फोटो साफ करके मैंने देवताओं के पास रख दिया था। तुम अकेली क्यों रहती हो माँ, मैंने पूछा तो माँ बोली तो कहाँ जाऊं, तपन का कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ, तू शादी करता नहीं। मुझे तो ये ठंडे पहाड़ ही अच्छे लगते हैं रे, जिंदगी के कुछ दिन और रह गए हैं, वे भी यहीं बीत जाएं, बस इतनी ही इच्छा है। माँ तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो जो तुम्हारी खूब सेवा कर सके, अगली बार घर आऊंगा तो तुम्हें निराश नहीं करूंगा, भैया को भी तब छुट्टी मिल जाएगी, कुछ दिन पूरा परिवार एक साथ रह पाएगा। बड़े भैया ने फौज में ही काम कर रहे अपने किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर ली थी। भाभी केरल की थी, पहाड़ों की जिंदगी क्या होती है उन्हें पता ना था। एक बार अम्मा उनके साथ कुछ महीने बिताने के लिए गईं, लेकिन थोड़े ही दिनों में लौट आईं। वहां की जिंदगी उन्हें रास ना आ पाई। मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद माँ का लिखवाया पत्र मिला था। तेरे लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है, तपन को लिख दिया है, वह भी आएगा, चैत में शादी होगी। चैत से पहले ही देश की स्थिति बिगड़ने लगी, पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया था। भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे, जैसूर की तरफ कहीं। युद्ध पर जाने से पहले भैया मिलने आए थे, एक दिन मेरे साथ रहे, सारी रात वे सो ना पाए, घर की बाहर की पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते रहे। मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद गए, अपने हाथ की बहुमूल्य घड़ी उतारकर मुझे दे गए। भाभी और बच्चों से जानबूझकर नहीं मिले, बोले इससे दिल कमजोर हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा। रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ने गया तो भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे। जीतू तू बहुत कमजोर है, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, लौटने पर अब की बार खूब लंबी छुट्टी लेंगे, एक दो महीने आराम से घर पर बिताएंगे, बंगला नुमा नया मकान बनवाएंगे। जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने देखा भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। घमासान युद्ध की खबरें आती रहीं। भारतीय सेनाएं मुक्ति वाहिनी के समान निरंतर आगे बढ़ रही थी, पर मेरी आंखों की नींद ना जाने कहाँ खो गई थी। तभी एक रात तार मिला, लिखा था मेजर तपन कुमार ढाका के पास ही किसी मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। यह वज्रपात असह था हम लोगों के लिए, माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रहती। मैं घर आया तो भाभी साथ थी और दोनों बच्चे भी। तपसी ने तो अब आने को लिखा था, चैत में लगन तय किया था। माँ सुबक सुबक कर रोने लगी थी। माँ तुम्हें बहू चाहिए थी ना साथ रहने के लिए, लो भाभी आ गई, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश करनी है। भैया चल बसे तो क्या हुआ, हम तो हैं। माँ चुप हो गई, अपनी होने वाली चांद सी बहू का जिक्र उन्होंने फिर कभी नहीं किया। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने है, वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं जिन्हें बाबा ने लगाया था। 3-4 साल पहले बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे, कुछ पेड़ वे लगा गए थे जो अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए हैं। दूर कुछ गड्ढे और चमक रहे हैं जिन्हें अम्मा ने इन जाड़ों में खुदवाया था, जिन पर अब पौधे मुझे रोपने हैं।